इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जैजनेन्द्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 8209528799247971711। वेबसाइट www.jaijanendrajyotish.com। श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय 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 बोलिए परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनि संघ की जय। जय जय हमारे जीवन में अनेक लोगों से अनेक प्रकार का संबंध होता है। कुछ लोगों के साथ हमारे संबंध बड़े मधुर होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, आपस में बड़ी प्रगाढ़ता होती है और हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ निभाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रति हमारे संबंध अच्छे नहीं होते, उनके प्रति हमारे भावनाएं भी अच्छी नहीं होती, उनके प्रति हमारे मन में हमेशा विरोध का भाव होता है, उनसे विद्वेष होता है। जिनसे प्रेम होता है उनका नाम सुनते ही हमारा हृदय खिलता है और जिनसे विद्वेष होता है उनका नाम आते ही चित्त खौलता है। दोनों चीज़ें हमारे साथ होती है। आज हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में हम किस प्रकार के संबंधों को बढ़ा रहे हैं। एक प्रेमपूर्ण संबंध और दूसरा विद्वेष मूलक संबंध। प्रेमपूर्ण संबंधों को बनाने में, अपने संबंधों की मधुरता को बनाए रखने में हमें वर्षों खपना पड़ता है। जब तक हम किसी के विश्वास को जीत नहीं लेते तब तक किसी के प्रति सच्चा प्रेम टिकता नहीं। जिसके प्रति मन में प्रेम होता है उसके प्रति प्रगाढ़ विश्वास होता है और जिसके प्रति विश्वास होता है उसके ही प्रति हमारे हृदय में प्रेम पनपता है। तो हमारे विश्वास के बल पर प्रेम बढ़ता है और इस विश्वास को जमाने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन इस प्रेमपूर्ण संबंध को तोड़ने के लिए क्या करना है? एक पल। विश्वास की जगह विश्वासघात हो गया, प्रेम खंडित हो गया। एक पल, अभी हमने अपने प्रेम को बढ़ाया पर इस प्रेम को मिटाने के लिए क्या? एक पल का विद्वेष। विद्वेष बढ़ाने और विद्वेष जगाने में एक पल लगता है लेकिन प्रेम बढ़ाने या प्रेम उत्पन्न करने में पूरा जीवन खप जाता है। आज मैं बात कुछ इसी प्रकार की आप सबसे करने जा रहा हूं। एक शब्द है विद्वेष, जो हमारे जीवन के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अपने अंतर मन को टटोल कर देखो, तुम्हारे मन में कहीं किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का विद्वेष तो नहीं है? अपनी आंखें बंद करें, कुछ पल के लिए सोचें, अपनी स्मृति पटल को उभारें, देखें कि मेरी स्मृति में जो लोग हैं उनमें उनके साथ मेरे संबंध कैसे हैं, प्रेम पूर्ण हैं या विद्वेष पूर्ण हैं। दोनों को टटोल करके देखें और उसके साथ साथ ये देखने की कोशिश करें कि ज्यादा कौन है,
प्रेमपूर्ण संबंध है या विद्वेषपूर्ण संबंध पाएंगे। प्रेम की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, द्वेष की संख्या ज़्यादा होगी। हमारे संबंध उल्टे ज़्यादा हैं। एक व्यक्ति ने एक देवता की आराधना की और देवता प्रसन्न हुआ। उसने कहा, एक काम करो, तुम जो चाहो किसी 10 व्यक्ति के लिए मांग लो। तुम किसी 10 व्यक्ति का नाम दो, उनके लिए मैं वरदान दे दूंगा। अब वो 10 आदमी किसको चुने? उसने उल्टा दिया, कहा इन 10 को छोड़कर जिसको जो देना है दे दो। जिनके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है उनको हम याद करने में कदाचित पीछे भी रह जाएं, लेकिन जिसके प्रति मन में विद्वेष होता है वो हमेशा हमारे दिल दिमाग में हावी रहते हैं। अपने अंतर मन को टटोलिए कि मेरे मन में किसी के प्रति विद्वेष तो नहीं है, अगर है तो किस किस के प्रति है और कब से है और उसका स्तर कैसा है और कभी मैंने उसे मिटाने का प्रयास किया या नहीं। हर व्यक्ति यदि अपने अंतर मन को पलटेगा तो जरूर 2, 4, 10, 20 तो आ ही जाएंगे। कुछ पल के लिए अपने मन को घुमाओगे तो आपके मानस में आ जाएंगे ही नहीं, उस आदमी के प्रति मेरे मन में अच्छी दृष्टि नहीं है, उसके प्रति मेरे मन में पूर्वाग्रह, उसके प्रति मेरे मन में द्वेष है, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने मेरे साथ चीटिंग की, उसने मुझे छला, उसने मुझे अपमानित किया, उसने मुझे नीचा दिखाया। न जाने कितने कितने प्रकार के आरोप आपके मन में उभरेंगे और आप उस विद्वेष की स्थिति को सही साबित करने के लिए अपने तर्क खड़े करोगे। जितने भी द्वेष हैं, गलत है, आग अंदर उबल रही है, आग भड़क रही है, लेकिन हम साबित क्या कर रहे हैं? ये आग स्वभाव सहज है, स्वाभाविक है, ये है, ये रहेगी। तुम उसको मेंटेन करोगे तो क्या होगा? आग तो जहां लगती उसको भस्म करेगी ही करेगी। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति विद्वेष की अग्नि जली है तो जिसके प्रति विद्वेष है उसका विनाश हो या ना हो, जहां वो आग लगी है उसको तो विनष्ट करेगी ही करेगी। अपने मन को टटोलो, किनके प्रति मेरे मन में विद्वेष है। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपने अपने अंतर मन में झांकना शुरू किया तो आप पाओगे सबसे ज्यादा विद्वेष आपका आपके अपनों के प्रति दिखेगा। जिनसे आपका रोज का उठना बैठना है, जिनसे आपका रोज का मेल जोल है, जिनके सारे आपका सारा व्यवहार चलता है, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, परिजन हो, पड़ोसी हो, ग्राहक हो या आपके मित्र जनों में हो, आपके रिश्तेदारों में हो, उनमें ही आपके मन में विद्वेष दिखेगा। ये बात अलग है कि हर साल क्षमावाणी के दिन मैसेज भेज करके क्षमा की बात कर लेते हो, लेकिन मन क्षमा करने को राजी कितना होता है। जब भी ऐसे व्यक्ति की बात आती है मन खोलता है। मेरा मन, मेरे मन में किसी के प्रति प्रेम है या विद्वेष, इसकी जांच कैसे होगी? सामने वाले के प्रति मेरे मन में प्रेम है या द्वेष, इसे कैसे जांचेंगे? बड़ा सहज है। जिस व्यक्ति की स्मृति आते ही मन प्रमुदित हो उठे, खिल जाए, तो समझना उसके प्रति प्रेम है, और जिसका नाम सुनते ही अगर मन खोल जाए तो समझना विद्वेष है, वहां आग भड़क रही है, भावधारा बदल जाती है। यह एक बड़ी विकृति है। इस विद्वेष के पीछे में ईर्ष्या होती है। जिस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होती है उसके प्रति विद्वेष होता है, उस व्यक्ति के प्रति फिर विद्वेष से घृणा होने लगती है, नफरत होती है, और नफरत करने के बाद व्यक्ति फिर
एक दूसरे की हिंसा करने के लिए उतारू भी हो जाता है। ये एक के बाद एक विकृतियां जन्मती है और जीवन बर्बाद होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने अंतर मन को देखो। यदि किसी के प्रति विद्वेष की भावना मन में है तो उसे समाप्त करो। कैसे करें? द्वेष मिटाने का उपाय क्या है? बड़ा सहज उपाय, जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में विद्वेष है उसे याद करें और उसे याद करके केवल क्षमा करने का भाव रखें उसके प्रति। ओम, ठीक, उसके प्रति क्षमा भाव रखें। ठीक है, किस वजह से मेरे मन में विद्वेष उत्पन्न हुआ उसके कारण की पड़ताल करें और फिर सोचे, चलो उसने मेरे लिए दुर्वचन कहे, चलो कह देने दो। उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, कर लेने दो। उसने मेरे साथ चीटिंग की, कर लेने दो। वो मेरा जो बुरा किया, कर लेने दो, मैंने उसे क्षमा किया। भूल जाओ। एक बार जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो फिर उसके प्रति सहज प्रेम उत्पन्न होता है, अंदर की गांठ खुल जाती है। अपने मन में क्षमा का भाव जगाइए, मैंने क्षमा किया, मामला खत्म। सामने वाले ने मेरा बुरा किया, वो तो निमित्त बन करके आया था, मेरे कर्म का उदय था, उसने मुझसे बुरा कर दिया। अब मैं उसे भूलता हूँ, जो मुझे भोगना था भोग लिया, वो निमित्त बनकर आया था, मैं उसे क्षमा करता हूँ। विद्वेष समाप्त। किसी और के मन में मेरे प्रति विद्वेष है, मुझे उसका आभास हो रहा है, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लो, क्षमा मांग लो, भैया मुझसे गलती हुई, मैं गलती के कारण ऐसा कर दिया, मुझे वास्तविकता का पता नहीं था, मुझसे चूक हुई, भावावेश में मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको बुरा लगा, मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा करने और क्षमा मांगने से विद्वेष मिटता है। इसलिए अपने मन को तैयार कीजिए, व्यक्ति को प्रतिदिन अपने चित्त को रिफ्रेश करना चाहिए, हर जीव से क्षमा मांगना चाहिए, हर जीव को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि एक के प्रति भी मन में द्वेष का भाव होता है तो वो गांठ का रूप धारण कर लेता है, हमारे जीवन को जटिल से जटिल तर बनाते जाता है। आप भावना योग करते हैं, उसमें क्या होता है? विगत दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे द्वारा बुरा बोलने, बुरा सोचने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, उन सबको क्षमा करता हूँ। औरों के दुर्वचन से अगर मेरा मन क्षुब्ध हुआ हो, औरों के दुर्व्यवहार से मेरे मन में विकल्प उठा हो, औरों के बदसलूक से मैं प्रभावित हुआ हूँ, मैं उन सब को क्षमा करता हूँ, अपनी ओर से क्षमा मांगता हूँ। बस इतनी ही तो बात है, मेरा सबसे प्रेम है, मेरी सबसे मैत्री है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। ये भावधारा अंदर जगा लो, इस धारा के प्रकट होते ही विद्वेष की अग्नि पल में बुझ जाएगी। अंतर मन में प्रैक्टिस होनी चाहिए। अरे चलता है, बुराई बढ़ती है तो बढ़ाते जाते हैं, और ये संतति इस जन्म से लेकर न जाने कितने जन्मांतरों तक चलती है, जो चलते जाती है, उत्तरोत्तर चलते जाती है, और वो हमारे जीवन को बर्बाद कर डालती है। इसलिए यहाँ बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। इस विद्वेष के बाद क्या होता है? जिसके प्रति विद्वेष होगा, आप उसका विरोध करोगे। जिसके प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है, उसके समर्थन में लोग खड़े होते हैं, और जिससे विद्वेष होता है उसका विरोध करते हैं। होता है, कई लोग हैं जिससे द्वेष, उसकी अच्छी बात हो तो और बुरी बात हो तो उनको विरोध करना है। विरोध किसी मुद्दे पर करो तो समझ में आता है, लेकिन विरोध ही जिसका मुद्दा, उसके लिए क्या कहोगे? विरोध के लिए विरोध, ये हमारी कसाई का बड़ा विकृत रूप है। किसी मुद्दे पर असहमति प्रकट करना, ये स्वस्थ विरोध है।
मैं आपसे ये नहीं कहता कि विरोध मत करो, पर विद्वेष प्रेरित विद्रोह विरोध मत करो। अगर विद्वेष से भरकर किसी का विरोध करोगे तो वह केवल विरोध के लिए विरोध होगा। किसी मुद्दे पर असहमति प्रकट करने के लिए आप अपना विरोध दर्शाओगे तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि इससे विचार मंथन होता है और कई नए निष्कर्ष और निष्पत्तियां आती है। अपने जीवन की सफलता के लिए इस तरह की बात रखना भी जरूरी है। लेकिन केवल द्वेषवश विरोध, जिसके प्रति द्वेष होगा आप उसका विरोध करोगे, उसकी कमियां निकालोगे, नुक्ताचीनी करोगे, कुछ नहीं है तो भी विरोध होता है। कुछ लोगों की आदत है वो तो विरोध ही करना है। जैसे अपने देश में चलता है ना, पक्ष और प्रतिपक्ष में, ये भाजपा है तो कांग्रेस को विरोध करना ही है, सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष विरोध करेगी। ये राजनीति में भले हो, हालांकि जहां सिद्धांतों की राजनीति होती वहां ऐसा विरोध नहीं होता, पर वर्तमान की राजनीतिक स्थितियां थोड़ी अलग हो गई है। पर मैं आपसे कहता हूं, आम जीवन में व्यर्थ विरोध मत करो, और विरोध हो भी तो किसी मुद्दे से विरोध हो, वो असहमति के रूप में हो, व्यक्ति से विरोध न हो। मेरी किसी बात से असहमति है, मैं आपका विरोध कर सकता हूं, भैया ये कार्य ठीक नहीं है, आपने कुछ कुछ काम कहा और मैंने कहा नहीं ये कार्य ठीक नहीं है, मुझे नहीं जचता, मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा, ये असमर्थन है, ये भी एक प्रकार का विरोध है। लेकिन ये विरोध स्वस्थ विरोध है, यह असम्मति है। विरोध प्रकट करना चाहिए पर विनम्रता के साथ। मैं इसमें अपना समर्थन नहीं दे सकता, आप देखिए, लेकिन जब मन में भी द्वेष हो जाए तो सामने वाला सामने वाले की सत्ता उखाड़ने के लिए झंडा उठा लेता है, अब तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अब हमें इसका विरोध करना ही है, मौका बेमौका जहां आ जाए विरोध। ये अच्छी बात नहीं है। विद्वेष के बाद विरोध होगा, इसलिए पहली बात विद्वेष को वहीं खत्म करो और विरोध को उत्पन्न मत होने दो। विरोध की चार स्थितियां, विरोध करना, विरोध को जन्म देना, विरोध बढ़ाना और विरोध मिटाना। किसी का विरोध करो, कब करो? असमर्थन के रूप में, असहमति के रूप में। कब? जब वह तुम्हें वो नीति अनुकूल न लगे तब, पर वो विरोध उस मुद्दे का हो उस व्यक्ति का नहीं। विरोध के लिए विरोध करना तीव्र कषाय की अभिव्यक्ति है। ऐसा करके तुम अपने जीवन को क्षुद्र बना रहे हो, समझ गए? क्यों विरोध करो? किसी के बीच में विरोध बढ़ा देना, दो व्यक्ति के बीच में थोड़ी कटता है, सतरता है, तो उसको शांत करने की जगह और सुलगा रहे हो। कुछ लोग हैं जो लोगों के विरोध, आगे वैर की बात करूंगा मैं, वैर विरोध को मिटाते हैं, और कुछ वो आग में पानी डालते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आग को और सुलगाते हैं, हवा देते हैं। नहीं, कभी विरोध को बढ़ाओ मत, निज के स्तर पर भी और औरों के स्तर पर भी। दो व्यक्तियों के मध्य विरोध मत बढ़ाओ, उनकी सत्यता को मिटाने का प्रयत्न करो। और तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध है तो उस विरोध को वहीं खत्म करने की कोशिश करो, बढ़ने मत दो, क्योंकि ये आग है, जितना बढ़ेगी उतना नुकसान करेगी। विरोध मिटाइए, उसे बढ़ने मत दीजिए, वहीं के वहीं समाप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। विरोध मिट जाए, जीवन धन्य होगा, जीवन को एक नई ऊंचाई दी जा सकेगी,
अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो वैसा पुरुषार्थ यदि होता है तो निश्चित तौर पर वह हमारे जीवन को महान बनाएगा। हम वैसा पुरुषार्थ करें, विद्वेष ना हो तो विरोध ही नहीं होगा, और विरोध के बाद फिर क्या होता है? विग्रह। विरोध के बाद क्या होता है? विग्रह, झगड़ा। जहां विरोध होगा वहां झगड़ा होगा। दुश्मन, दुश्मनी के बाद तो झगड़ा ही होता है, शत्रुता बढ़ती है। तुमने ज्यादा विरोध किया, एक दूसरे को विरोधी मानना शुरू किया, खत्म। अरे किसी को अपना मित्र न बना सको कोई चिंता की बात नहीं, कम से कम विरोधी तो मत बनाओ, क्योंकि उससे शत्रु बढ़ेंगे तो शत्रुता भी बढ़ेगी, वो हमारे जीवन के लिए सत्यानाशी साबित होगा। भी किसी का विरोध मत करो, और विरोध हो भी तो उसे उसी स्तर पर खत्म करो, विग्रह की स्थिति मत बनने दो, झगड़ा मत हो। जब विरोध होता है किसी के प्रति, विद्वेष तीव्र होता है, विरोध करते हैं, और वो विरोध की भावना जब प्रबल हो जाती है तो फिर झगड़ा भी हो जाता है, विग्रह खड़ा हो जाता है। विवाद होता है, विवाद से विग्रह होता है, फिर वो व्यक्ति किसी स्तर पर भी आ जाता है, उसके बाद क्या होता है? वैर। क्या हो जाता है? वैर। विद्वेष से विरोध, विरोध से विवाद या विग्रह, और विग्रह के बाद वैर। वैर का मतलब खैर नहीं, जहां वैर वहां खैर खत्म। अंदर वैर की गांठ बन जाती है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वैर विद्वेष का सबसे विकृत रूप है। तो नीचे से चलता हूं, अपने मन में वैर है किसी के प्रति, देखो तय करो अपने जीवन में मैं किसी से वैर नहीं करूंगा। और उसका एक ही उपाय है, किसी का दिल अपने जीते जी अपने होशो हवास में न दुखाओ, और यदि कुचित कदाचित हो जाए तो उसको वहीं खत्म करो, उससे क्षमा मांगो, वैर की संतति बढ़ने मत दो। और अगर आज की तारीख में किसी के प्रति मन में वैर है तो समझौते का रास्ता अपनाओ, अपनी गलती हो तो कबूल करो, गलती नहीं भी हो तो थोड़ा झुक जाओ, अपनी ऐट को खत्म करो, अपने अहंकार को एक तरफ कर लो, मन को सरल बना लो, वैर मिट जाएगा। कई लोग हैं जो बड़े धर्मी हैं पर आपस में बड़ा प्रबल वैर रखते हैं। मैं गैरों की बात क्या करूं, आज वैर के संदर्भ में बातें आपको करूंगा। कैसा वैर होता है? भाई और भाई के बीच के प्रेम की कहानी हम लोग सुनते हैं, तो भाई और भाई के बीच के वैर की कहानी भी आपने सुनी होगी। सुनी क्या होगी? देखी होगी। और देखी क्या होगी? हो सकता है भोगी भी हो। आज के इस दौर में प्रेम की कहानी कम, वैर की कहानी ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, भाइयों का वैर कितना भयानक होता है। एक स्थान पर दो सगे भाई, और दोनों में घोर एक दूसरे का विरोध, बड़ा प्रगाढ़ वैर, और उस समाज के दोनों दो धुरंधर नेता, मतलब समाज के दो दल को संभालने वाले वे ही दो थे, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते, दोनों एक दूसरे को पटखनी देते। इन दोनों के पीछे पूरी समाज दो भागों में बटी हुई थी। हमारा वहां प्रवास हुआ, देखे लोग जुड़े, तो एक दिन कुछ लोगों ने बताया कि महाराज जी बातें तो समझ में भी आ जाती है, किसी के मन में किसी के प्रति वैर होती है, वैर की भावना होती है तो वो दिख जाती है। लोगों ने बताया, महाराज जी ये दोनों सगे भाई हैं
और इन दोनों का आपस में बड़ा प्रगाढ़ बैर है, वर्षों हो गए। अगर ये दोनों एक हो जाए महाराज तो हमारी समाज का बड़ा भला होगा। हमारी समाज को आप देखते, समाज कितनी अच्छी है। इन दोनों की आपसी लड़ाई के पीछे पूरी समाज पिस रही है। मैंने सुना, सुनकर उस समय तो अनसुना किया, सोचा कभी कोई मौका आएगा देखेंगे, पहले समझे भी कि ये जो बातें हैं वो कितनी सही है। बातें हकीकत थी। कुछ दिन बीता, संयोग दोनों थे तो धार्मिक, मंदिर में पूजा पाठ करना, साधु संतों के संपर्क में रहना, उनकी सेवा करना, चौका लगाना, प्रवचन में आना, बस ये था। जो सत्ता में होता वो खूब दान करता, सहयोग देता, और जो प्रतिपक्ष में आता वो केवल दर्शक दीर्घा में बैठता, एक पैसे का कहीं कोई योगदान नहीं देता। ठीक, एक दिन एक के यहाँ जो प्रतिपक्ष था उसके यहाँ मेरा आहार हुआ। आहार के बाद जब मुझे छोड़ने आया, छोड़ने के बाद बैठा, इधर उधर की बात हुई, सबसे अलग करके मैंने उससे एक दिन पूछा, क्यों भाई, मैंने सुना है तुम्हारा तुम्हारे छोटे भाई से बड़ी अनबन है। बोले महाराज छोड़िए, इन बातों में मत पड़िए आप महाराज, कहानी बड़ी जटिल है, आप नहीं सुलझा पाओगे। अरे भैया ठीक है, मैं सुलझाऊंगा नहीं, समझ दूँ तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसे? नहीं महाराज, वो आदमी ठीक नहीं है, मेरे लायक नहीं है, मैंने तो उसको, मैं उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। बोले भैया ठीक है, शक्ल देखना पसंद नहीं करते, यहाँ क्यों मुँह बना रहे हो? मेरी शक्ल तो तुम पसंद करते हो, मुझे देख के तो अपनी शक्ल ठीक कर, यहाँ तुम अपनी मुख शक्ल क्यों बिगाड़ रहे हो? नहीं महाराज जी, आप क्षमा करो, इस विषय में आप मुझसे चर्चा नहीं करो। मुझे लगा कि इस व्यक्ति की कषाय अभी बड़ी उफान पे है, इस समय इसकी मानसिकता बिल्कुल नहीं है, इसे थोड़ा ठंडा करने दीजिए। मैंने बात को टाल दिया। और तीन चार दिन बाद अपने प्रवचन में भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र को रखते हुए बैर और बैर के परिणाम का मैंने एक चित्र खींचा। एक दो प्रसंग मैंने ऐसे सुनाए जिसको देखकर सुनकर सबका हृदय द्रवीभूत हुआ, और मैंने देखा वो आदमी भी रो रहा था। मैंने समझा तीर निशाने पे लग गया। प्रवचन की समाप्ति के बाद 15 मिनट में विश्राम करता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आ गया, मेरे चरणों में सिर रखा। उसने कहा महाराज जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरी आंखें खोल दी, मैंने समझ लिया कि वाकई में नफरत और वैर का परिणाम क्या होता है, भाई और भाई के बीच का वैर कैसा होता है। महाराज जी उस दिन आपने मुझसे कहा, मैंने आपसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, इसका मुझे बड़ा खेद है, आप मुझे क्षमा करो। और महाराज जी मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारा झगड़ा आप ही मिटा सकते हो। महाराज मिट जाए तो मैं कृतार्थ होऊंगा। मेरी 72 साल की उम्र हो गई, पता नहीं अब जीवन का कब क्या हो जाए। महाराज जी आपने आंखें खोली है, मैं इस बैर की संतति को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ, इसे लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, मैं सामने वाले से बात करूँगा। फिर मैंने उसके भाई को बुलाया, भाई आया, मैंने उससे बात कहा, तो देखो जब समय अच्छा होता है तो सबकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसके मन का भी जो वैर था वो काफ़ी कुछ ढीला पड़ चुका था। जब वो आया मैंने कहा भाई मैंने सुना है कि तुम दोनों भाइयों के बीच बड़ी खींचातानी है, अनबन है, ये अच्छी बात नहीं। महाराज अच्छी तो हमें भी नहीं लगती। तो बोले क्यों क्यों करते हो? बोले महाराज जी आज मैं भी सोच रहा हूँ आपने प्रवचन
में बात समझाई, आपकी बात मेरे हृदय में बैठ गई और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये बैर ख़त्म करना चाहिए। पर महाराज जी यही लगता है, पहल कौन करे, पहल कौन करे। मैंने कहा तुम हृदय से बैर मिटाना चाहते? बोले हाँ महाराज मिटाना चाहता हूँ, मैं पुरानी बातों को भूलना चाहता हूँ, बस एक ही बात का संकोच है, पहल कौन करे। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मैं पहल कर देता हूँ, तुम दोनों को निकट ले आता हूँ। अगर तुम चाहते हो बैर मिटाना, तो बैर मिटाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन को सरल बनाने की ज़रूरत है, बैर अपने आप मिट जाएगा। फिर मैंने दोनों को बुलाया, बिठाया, 5 मिनट का संबोधन दिया और ये कहा कि भाई और भाई क्या होता है, तुम दोनों का एक खून है और पिताजी के जाने के बाद तुम दोनों ने किस तरीके से इस परिवार को आगे बढ़ाया और इसमें तुम्हारे बड़े भाई का कितना बड़ा योगदान है। बड़े भाई तो बड़े ही होते हैं, उनका स्थान छोटा नहीं ले सकता। छोटा भाई बड़ा काम भले कर सकता है पर बड़े भाई का स्थान नहीं ले सकता। तुम लोगों को आपस में सब बातें भुला देनी चाहिए अतीत की और फिर से एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में बंधना चाहिए। मैंने छोटे से केवल इतना कहा कि तुम बड़े भाई को बड़ा मानते हो। बोले महाराज बड़ा है तो बड़ा मानना ही पड़ेगा। हमने कहा मानना पड़ेगा नहीं, बड़ा मानते हो या नहीं? बोले महाराज मानता ही हूँ। तो हमने कहा बड़े भाई को बड़ा मानो और चरणों में समर्पित हो जाओ, देखो फिर क्या होता है। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, मेरे सामने ही उस बड़े भाई के चरणों में अपना सिर रखा। बोले बड़े भाई माफ़ करो, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मैंने आपको बहुत अपमानित किया, नीचे दिखाया, आज मुझे उसका खेद है, मैं हृदय से आपको आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा करो। बड़ा भाई उसे गले लगा लिया, दोनों के आँखों में आंसू। कहा भैया जो हुआ सो हुआ, अतीत को भूल जाओ, अब आगे की राह पकड़ो। और दोनों फिर एक हो गए। आज भी दोनों परिवार एक है और इन दोनों के एक होने से पूरी समाज एक हो गई। उस दिन उस समाज में जो माहौल बना, समझ लो दिवाली जैसा माहौल था, पूरी समाज में हर्ष की लहर प्रकट हो गई। तो ये क्षमा की ताकत है, पर ये तभी होगी जब तुम वैर को एक बुराई मानोगे, उसे दूर करोगे। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम प्राथमिकता में रहता है, उस व्यक्ति के हृदय में न विद्वेष, न विरोध, न विवाद, न बैर, कुछ नहीं, सब समाप्त। वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वैर से नुकसान के किस्से तो आप रोज सुने होंगे, भुगते भी होंगे। एक बार प्रेम की ताकत का एहसास करने की कोशिश करो। अगर मन में प्रेम होगा ना, तो किसी की बुराई भी तुम्हें बुराई नहीं दिखेगी, और द्वेष होगा तो अच्छाई में भी बुराई दिखेगी। अपने अंदर के प्रेम भाव को जगाओ, अपने संबंधों के माधुर्य को बढ़ाओ, जिससे जीवन सुंदर बन सके, जिससे जीवन का आनंद लिया जा सके, जीवन का परम रस अनुभव में आ सके। बाकी तो सब चीज़ें नकारात्मक दिशा में जाती है। मैं देखता हूँ आज मनुष्य अपनी दुर्बलताओं का कुछ इस प्रकार शिकार हो गया कि उसका उसकी सारी शक्ति, उसका सारा सत्य, उसका सारा श्रम और उसका सारा संसाधन केवल बुराइयों को बढ़ाने में लगता है, नकारात्मक दिशा में लगता है। इसे बदले और अपने जीवन को सही राह पर ले जाए, तो बैर तक हमें पहुंचने की स्थिति ना आए। विद्वेष मिटाएं, विरोध न करें। और महाराज कोई मेरा विरोध करे तो ये भी सवाल होता है, मैं किसी का विरोध नहीं करूं, वो मेरा विरोध करे तो, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, वो मेरे प्रति द्वेष रखे तो। एक बार गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कोई विरोध करे तो क्या करे? तो उन्होंने बड़े विनोदपूर्ण लहजे में कहा जो तुम्हारा करे विरोध, तुम उसको समझो विनोद। जो तुम्हारा करे विरोध, तुम उसको समझो विनोद। विनोद में टाल दो, विरोध बढ़ेगा ही नहीं। हंसकर टाल दो, उसने विरोध किया यानी तुमको भड़काने की कोशिश की, तुम भड़के क्यों?
भड़कना नहीं है, स्थिर बनना है। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपके हृदय में सरलता होगी, आपका मन समझौतावादी होगा, तो जीवन में न कभी भी द्वेष बढ़ेगा, न किसी का विरोध होगा, और न ही किसी प्रकार का विग्रह या विवाद होगा, और न ही किसी से कभी कोई वैर होगा। इसलिए इस वैर भाव को जन्म देने वाले विद्वेष की जड़ मिटाइए, अपने हृदय में ये भाव जगाइए, रोज एक अभ्यास कीजिए, सब जीवों से क्षमा मांगकर सब जीवों को क्षमा करो, और सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है, इस अनुभूति को अपने भीतर घटित करिए। देखिए जीवन में कैसा रस आता है। एक बात याद रखना, बुराई से जीवन कभी नहीं पनप सकता, जीवन की उन्नति अच्छाइयों से ही होगी। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अच्छाइयों को उभारो, बुराइयों को मिटाओ, पर होता उल्टा है, लोग बुराइयों को पोषने में लगे रहते हैं और अच्छाइयों की उपेक्षा करते हैं, होगा क्या? एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर दो पेड़ लगाए, एक चंदन का पेड़ लगाया और एक बबूल नागफनी का पेड़ लगाया। अब नागफनी के पौधे को तो रोज सींच रहा है, चंदन की तरफ झांक ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? घर का दरवाजा उस नागफनी से अवरुद्ध हो जाएगा। बस तुमने बुराइयों के नागफनी को इस तरीके से लगा रखा है, अपने चित्त की भूमि में बुराइयों के कैक्टस को इस तरह फैला रखा है कि वहाँ अब तो अच्छाइयों को उभरने की संभावनाएं भी कम हो गई। इसलिए अपनी चित्त भूमि को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ, और जीवन के क्रम को व्यवस्थित करके चलो, ताकि जीवन का सच्चा आनंद पाया जा सके। बस आज वह के संदर्भ में इतना ही कह करके मैं विराम दूंगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय जिनेन्द्र ज्योतिष केंद्र, 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 8209528799247971711। वेबसाइट www.jaijinendrajyotish.com। श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ, श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।